रुकते अगली खबर दा नवे साल दे जश्न विचाले दिल्ली दे विच एक खौफनाक वारदात वापरी है। नशे विच टल्ली कार सवार पांच नौजवानां ने एक कुड़ी नूं 4 किलोमीटर तक घड़ीसिया। दिल्ली तो यह दर्दनाक जड़ी खबर सामने आई है, खौफनाक घटना जिसने सब नूं झंझोड़ के रख दिता है। नवे साल दे जश्न विचाले जिथे कि पूरी दुनिया नवे साल की आमद तो लैके जश्न मनाउंदी नजर आई, उत्थे ही यह जो हादसा वापरिया। नशे विच टल्ली कार सवारा वालों एक स्कूटी ते सवार कुड़ी नूं टक्कर मारी गई, तो उस बाद 4 किलोमीटर तक उसनूं खड़ीसिया गया। पीड़ित कुड़ी दी दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी सवार कुड़ी नूं पहला नौजवानां ने टक्कर मारी सी। फिलहाल नौजवानां नूं काबू जिहड़ा है मुलजमां नूं कर लिया गया। पुलिस का यह कहना है कि जो खबर इस वेले छाई हुई है कि इस कुड़ी दे नाल कोई जबर जनाह होया है, वह बिल्कुल गलत है। अजिही कोई वारदात नहीं हुई है। मामले में दिल्ली महिला कमिश्नर ने पर दिल्ली पुलिस को समन जारी किया है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि लोगों के सामने पूरा सच आना चाहिए है, लेकिन जो हूं तक जानकारी पुलिस वालों भी साझी की गई है कि इतने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और उस तो बाद ये जड़ी स्कूटी सवार कुड़ी है वो किस तरह के नाल गड्डी के थले फस गई, जिसनों की 4 किलोमीटर तक घड़ीसते ये नौजवान लै गए, जिसके बारे इन मुलजमान का कहना है कि उन्होंने इस बारे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जिथे कि वो शीशे बंद सन गड्डी के, जिहड़ा म्यूजिक लगाया गया सी ओ बेहद उच्चा सी, इसलिए उन्होंने इस गल का एहसास नहीं होया। लेकिन अपने आप बड़ी ही खौफनाक एक घटना है। फिलहाल जो परिवार है इस मृतक कुड़ी का वह सदमे में है, इंसाफ की मांग कर रहा है। सच सब दे सामने आए क्योंकि खच्चे परिवार वालों जाहिर किए जा रहे हैं कि उन्हों का यह कहना है कि किसी न किसी की घटना को अंजाम जानबूझ के दिता गया है। उन्होंने जो कुड़ी है उस नाल कोई जबर जनाह किया गया, परिवार जिहड़ा खच्चे जाहिर कर रहा। हालांकि पुलिस वालों इस नूं बिल्कुल झूठ करार दिता गया। फिलहाल मुलजमान नूं काबू जरूर कर लिया गया, जिन्हां तों हुण पुछगिछ अगे की जा रही है।